वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ स्टाइल टिप्स, और मैं हूँ दिव्या। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम उम्र के साथ साथ हमारे फेस पे कितने सारे परेशानियाँ आने लगती हैं, और धीरे धीरे हमारा फेस डल, बेजान, रिंकल्स सब हमारे फेस पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने फेस को गोरा, जवान और पिंपल्स फ्री, दाग धब्बे ना हो, इवन टून हमारा फेस दिखे, और पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, जितने भी परेशानियां हैं वो सब इस रेमेडी से हमारा जाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी इस सब से बहुत परेशान हैं, अपने फेस से परेशान हैं, तो ये मेरा DIY रेमेडी ज़रूर देखें पूरा वीडियो, और फिर अपने फेस पे इस्तेमाल करें। तो देखिए दोस्तों, इसको हमें बनाना कैसे है, और इसको आपको बनाने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिए मेरा वीडियो, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और इतना तो मैं श्योर हूँ कि इस DIY रेमेडी को बनाने के बाद से आप लोगों को कभी भी कोई भी फेस के दोस्तों, अगर आप ये DIY रेमेडी बनाते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को कभी भी फेस के संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी, और आप हमेशा अच्छे से अपने फेस को रिपेयर कर पाएंगे, और कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट आप लोग को ख़रीदने की और अपने फेस पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहती हूँ, और मेरे अगले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं मैंने कितने सारे अच्छे अच्छे वीडियो बना के रखे हैं। और फिर बनाते हैं, देखते हैं कैसे हमें ये बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, आप लोग को मैं सब दिखाऊंगी। तो देखिए, पहले मैंने लिया है एक छोटा सा कंटेनर, अब इसमें हम डालेंगे बादाम का तेल। तो दोस्तों, मैंने एक चम्मच, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बादाम का तेल ले लिया है। तो आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक चम्मच, दो चम्मच ले सकते हैं, मुझे कम बनाना है तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ले लिया है। अब इसमें देखिए दोस्तों, पहले तो हम बादाम का तेल की बात कर लेते हैं। तो बादाम का तेल हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फेस के लिए क्या, कहीं भी हमारा मतलब डार्क एरिया है, जैसे डार्क अंडर आर्म्स, एल्बो, या कोई भी गर्दन, या कहीं भी आपका डार्क एरिया है, तो आप लोग बादाम का तेल इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर बादाम के तेल से आप डेली मालिश करते हैं तो आपका फेस बहुत ही अच्छा हो सकता है, गोरा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आधा चम्मच बादाम का तेल ले लिया, जो हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें हम डालेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ई का कैप्सूल 30 के लगभग में आप लोग को कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे हमारे फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो आप लोग को क्या करना है, एक कैप्सूल निकाल लेना है, और आप लोग इसको सीजर की मदद से भी काट सकते हैं, मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से कट कर ले रही हूँ। और फिर इसका जो ऑयल अंदर का होता है, मैं इसमें डाल लूँगी, तो ये हमारा फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगा, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से निकाल लिया इसका तेल। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको अच्छे से बादाम का तेल और कैप्सूल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें तीसरा इसमें ऐड करना है, एलोवेरा जेल का। तो देखिए दोस्तों, एलोवेरा जेल मैंने आपको पतंजलि एलोवेरा जेल का आधा चम्मच ले लिया है। अब इसको हमें इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप लोग को ज़्यादा बनाना है तो इसको भी आप एक चम्मच ले सकते हैं, मैं थोड़ा आधा चम्मच ही लेके आप लोग को दिखा रही हूँ बना के। ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको बनाइए और अपने फेस पे लगाइए, फिर देखिए कमाल, कितना अच्छा आपका फेस गोरा हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि ये हल्दी क्रीम बनने वाला है,
तो इसमें मेन चीज़ हमें हल्दी डालना है। तो हल्दी दोस्तों आप जानते होंगे कि हल्दी हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा रेमेडी है हमारा ये हल्दी। तो कोई भी DIY पैक बनाते हैं हम, तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। और थोड़े देर तक हल्दी लगा करके छोड़ने से हमारे फेस, मतलब पूरा फेस हमारा गोरा हो जाता है, इवन ट्यून हो जाता है। तो हमें यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी ली हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फूड हल्दी हमें नहीं लेना है, कस्तूरी हल्दी लेना है। जो कस्तूरी हल्दी हमारे घर में इस्तेमाल होता है, किसी किसी घर में कस्तूरी हल्दी भी इस्तेमाल होता है, किसी घर में फूड हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे घर में कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे हल्दी डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें नेक्स्ट मिक्स करना है चावल का आटा। तो चावल के आटे में हमारा स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और स्कार्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं चावल के आटे में। तो बस इसको थिक बनाने के लिए और कुछ वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। तो चावल का आटा हमें इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस आधा चम्मच। देख सकते हैं आप मैंने कितना लिया है, बस आधा चम्मच। अब मुझे ज़्यादा थिक इसका दिख रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और बादाम का तेल ऐड कर लूँगी। बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग को इस क्रीम को मतलब और भी असरदार और बहुत ही अच्छा बनाना है, तो आप लोग इसमें सनस्क्रीन क्रीम भी डाल सकते हैं। तो सनस्क्रीन क्रीम डालने के लिए आप कौन सा भी अपना फेवरेट ले लीजिए और उसको एक चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे ये हमारा और भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और अगर आप सुबह के टाइम इसको लगाते हैं तो डालिए, अगर रात में लगाते हैं तो इसको आप स्किप कर दीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए हमारा क्रीम बन के तैयार है। तो अगर आप लोग को मॉर्निंग में लगाना है तो आप लोग थोड़ा सा इसको लीजिए और फिर अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। अगर नाइट में लगाना है तो आप लगा करके इसको, दोस्तों पहले तो अपने हमारा क्रीम बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग इसको बंद करके, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्रीम को हम लोगों ने अपने हाथों से DIY करके बनाया है। इसमें कोई भी केमिकल या कोई फ्रेगनेंस या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे स्किन को बहुत ही मतलब नुकसान पहुंचाए या जल्द से जल्द एक ही दिन में रातों रात गोरा कर दे। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ इसमें हम लोगों ने नहीं मिलाया है। तो हमें इसको फ्रीज में रखना होगा। फ्रीज में रखने से हमारा क्या होगा, ये 15 दिन तक आराम से आप बना करके रख सकते हैं और 15 दिन तक इसको आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं नाइट में और मॉर्निंग में। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक बात मैं और आप लोग को बता देती हूँ दोस्तों, देखिए जैसे ये हमारा फेस है और हमारे फेस पे जो चमड़ी होती है वो मतलब ऊपर से धीरे धीरे टैन हो जाती है। तो ऊपर से हमारा एक लेयर और चढ़ जाता है, जिससे हमारी स्किन, फेस की स्किन धीरे धीरे डल हो जाती है, बेजान हो जाती है और ब्लैक दिखने लगती है। तो दोस्तों जैसे आप लोग को क्या करना है, स्क्रब करना है और नाइट का और मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है हमें वो डेली फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी जो ऊपर की लेयर जमी होती है स्किन पे वो निकल जाती है डेड स्किन, और हमारा स्किन जो अंदर की सेकेंड लेयर होती है वो उभर कर आती है और हमारा धीरे धीरे फेस गोरा होने लगता है। तो आप लोगों को पहले तो हफ्ते में दो बार स्क्रब करना चाहिए और स्क्रब करने के बाद से अच्छे से किसी भी माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करें और फिर इस क्रीम को मैं अप्लाई करके आप लोग को दिखाती हूँ। हमें हल्का सा अपने फेस के अनुसार जितना क्वांटिटी हमें चाहिए लेना है और अपने फेस पे लगाना है और फिर अच्छे से मसाज देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं मसाज यहाँ पे दे रही हूँ।
अच्छे से मसाज देना है अपने फेस पे 2 से 3 मिनट तक। मसाज देने के बाद आप लोगों को छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद से जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग आप देख सकते हैं, इतनी ग्लोइंग और इतनी ज़्यादा मतलब नरिशिंग, और जो भी हमारा डार्क स्पॉट होगा मतलब जो भी हमारे फेस पे इवन टून नज़र आता होगा इधर, मतलब जितने भी पिंपल्स के दाग धब्बे होंगे धीरे धीरे हाइड हो जाएंगे और धीरे धीरे सब ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये रेमेडी आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर अपने फेस पे सुबह शाम अप्लाई कीजिए। सुबह पे अगर आप चाहते हैं इसको लगाना तो आप लोग इसको लगा करके और 5 मिनट तक मसाज दें और 20 मिनट तक रखें, और फिर आप लोग को अगर कहीं बाहर जाना है तो 20 मिनट के बाद से धो दें। अगर बाहर नहीं जाना है तो आप लोग इसको पूरे दिन रख सकते हैं, क्योंकि क्यों मैं बोल रही हूँ बाहर जाना है तो इसको आप लोग को निकाल देना है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कस्तूरी हल्दी डाला है, और कस्तूरी हल्दी से हमारा क्या होता है फेस पे थोड़ा सा पीलापन आ सकता है, तो पीलेपन की वजह से हमारा फेस अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए हमें इसको धो करके और उसके बाद से कहीं बाहर जाना है। अगर आप लोग बाहर नहीं जाना है तो घर में इसको लगा करके छोड़ सकते हैं, और नाइट में तो आप लगा कर सो ही सकते हैं। तो ओवर नाइट लगा कर छोड़ें और फिर आप फ़र्क अपनी स्किन में खुद नज़र आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है और इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि ये आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड।